हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यार कल से यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल बोनंजा सेल चलने वाली है 19 फेब से लेके 23 फेब तक। तो यार यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कौन से स्मार्टफोन आपको नहीं लेने चाहिए, ताकि आपका पैसा जो फालतू पैसा है वो खर्च ना हो। और यार नीचे आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी, mobilejankari.com, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। वहाँ पे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहता हूँ, आप एक बार से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो यार यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे कौन से स्मार्टफोन आप नहीं लेंगे। यार इससे रिलेटेड मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपके माइक्रोवेस के भारत के बारे में बताया है, और इंटेक से कुछ स्मार्टफोन के बारे में बताया है, यूरेगा के कुछ स्मार्टफोन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन ऐसे निकल के आए हैं आज यहाँ पे जो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर अच्छी प्राइस में तो मिल रहे हैं, पर यार उसका हार्डवेयर उतना अच्छा नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छे से वो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो भाई लोगों, यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है इंटेक्स का इनसाइट 6। तो ये स्मार्टफोन आपको 4,099 रुपये में मिल जाता है, मतलब 4099 रुपीज़ के अंदर। 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल मेमोरी है। पता नहीं कौन सी कंपनी का यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, भाई मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप 4,099 रुपये खर्च करना चाहते हैं, 4099 रुपीज़ अगर आप खर्च करना चाहते हैं, तो 1,000 रुपये और थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिए। यहाँ पे आपको आसूस का जेनफोन लाइट L1 मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। और यार यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी बैटरी भी देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ आपको 2GB और 16GB की इंटरनल मेमोरी भी देखने के लिए मिलती है उस स्मार्टफोन में। और स्नैपड्रैगन का नाम यहाँ पे आ जाता है, तो भाई वो फोन अपने आप ही यहाँ पे बहुत बेस्ट निकल के आ जाता है। तो भाई ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इंटेक्स का इनसाइट 6 आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो दूसरा फोन यहाँ पे इंटेक्स की तरफ से आता है एक्वा। तो इसका नाम, इसका पूरा नाम है इंटेक्स का एक्वा 5.5 VR+। तो भाई लोगों, ये स्मार्टफोन आपको 4,199 रुपये के अंदर मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर कल। तो भाई ये स्मार्टफोन भी यहाँ पे बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है, क्योंकि यार सेम स्पेसिफिकेशन से यहाँ पे तो आपको और घटिया मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर देखने को मिलता है, या 6759 ऐसे कोई प्रोसेसर देखने को मिलता है, और 1GB 16GB इंटरनल मेमोरी आपको देखने के लिए मिलती है। यार आप खुद सोचिए, आजकल के ज़माने में इतनी इंटरनल मेमोरी और यहाँ पे 16 1GB की रैम, तो भाई उसका पूरा सॉफ्टवेयर ही खा जाता है। जहाँ पे आपको मार्शमेलो मिलेगा या आपको लॉलीपॉप देखने को मिलेगा, आप ये तो भूल ही जाइए, यहाँ पे आपको नूगट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो भाई लोगों, ये स्मार्टफोन भी आप बिल्कुल से मत लीजिएगा। इससे अच्छा यार आपको, जैसे मैंने बताया, आसूस का जेनफोन लाइट L1, ये यार इस प्राइस रेंज के अंदर ना 5,000 रुपये, जितना भी 5,000 रुपये के स्मार्टफोन है यार, उसमें बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन निकल के आया है, आसूस का जेनफोन लाइट L1। मैंने पहले वाली वीडियो में यहाँ पे बोला हुआ है। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है, लावा का Z60। अब यार जो ये स्मार्टफोन है 3,999 रुपये में बिक रहा है। अब पता नहीं क्या देख के कंपनी ने ये स्मार्टफोन निकाला है, वही सेम प्रोसेसर जो आपको यहाँ पे इंटेक्स के ऊपर मिल रहा था, सेम हार्डवेयर के साथ सेम प्रोसेसर भी उसमें वही लगा हुआ है। तो भाई यार मतलब कंपनी कर क्या रही है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। यहाँ पे आपको 5 MP का रेयर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा भी रखा है, और यार मतलब किस बात से यहाँ पे कंपनी लूट रही है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। यार इससे बढ़िया यहाँ पे माइक्रोमैक्स का आपको बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस मिल जाएंगे, इससे बढ़िया माइक्रोमैक्स का भारत ले लीजिए यार, मेरे को वो ज़्यादा बेटर लगा इन डिवाइसेस से। और यहाँ पे एक शाओमी भी अपना बजट रेंज के अंदर 5,000 से नीचे के अंदर यार स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको उनका मी का लाइट वर्जन देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड गो का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मी गो का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यार आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आपको चाहिए 5,000 से नीचे के स्मार्टफोन तो आप उसका वेट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया, अगर आप 3,999 रुपये खर्च ही कर रहे हैं, तो भाई 1-2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आपको आसूस का बहुत ही बेटर प्राइस रेंज में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है, आपका जियोनी का A1 Lite। भाई ये स्मार्टफोन में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, पर यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है ना, वो आपको मीडियाटेक का मिल जाता है, वही घिसा बेटा 6737 या 6759। तो भाई ये प्रोसेसर, ये फोन के साथ, अगर आप ये प्रोसेसर के साथ इस प्राइस रेंज के अंदर लेते हैं, इसकी प्राइस यहाँ पे आपको 6,799 रुपये में मिल जाएगी। अगर 6,799 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो यार यहाँ पे आपको रेडमी का 6P मिल जाता है, आपको रेडमी के बहुत सारे डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है ना, वो है यहाँ पे जियोनी का A1+। भाई ये स्मार्टफोन अच्छा है, मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ ये स्मार्टफोन अच्छा है। अगर इस फोन की प्राइस थोड़ी सी गिर सकती थी, तो भाई ये अपने रेंज के अंदर बहुत ही अच्छी धमाके कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे 20 MP का आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। आपको मैंने वेबसाइट बताई है ना mobilejankari.com, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल से दे रखा है, भाई एक बार से उसको भी जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे 25 या 20 MP का आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है,
और यहाँ पे रियर कैमरा भी आपको 2 मेगापिक्सल मतलब सारी ड्यूल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है, बैटरी भी अच्छी दे रखी है और मीडियाटेक का हीलियो P25 दे रखा है। जो ये प्रोसेसर है ना मीडियाटेक का हीलियो P25, ये प्रोसेसर अच्छा है, पर यार इस प्राइस रेंज के अंदर ना आपको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन दिख जाएंगे, आसूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 M2 मैक्स प्रो M2 भाई ये जो स्मार्टफोन है ना इससे कहीं ज्यादा बेटर है। तो भाई इसका जो प्राइस है ना वो है यहाँ पे 8,999 रुपये। अब आप खुद सोचिए अगर आप इस फोन के लिए 8,999 रुपये पे करेंगे तो भाई यहाँ पे आसूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 कहाँ जाएगा और M2 कहाँ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है यहाँ पे वो है पैनासोनिक का इल्युगा रे। भाई ये स्मार्टफोन भी पता नहीं क्या देख के कंपनी यहाँ पे बेच रही है, इसका प्राइस यहाँ पे 7,999 रुपये रखा गया है। वही सेम प्रोसेसर वही सेम डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाती है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलती है, HD डिस्प्ले मिलती है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है, 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। भाई 7,999 रुपये कौन पे करेगा, आप खुद सोचिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ ये स्मार्टफोन आप मत लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है यहाँ पे आपका इन्फिनिक्स का हॉट 3X 9,999 रुपये का, मत लीजिएगा, अभी से मना कर रहा हूँ मत लीजिएगा। अब जो स्मार्टफोन आपको लेने चाहिए ना वो यार बहुत अच्छी अच्छी प्राइस में बिक रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका है सैमसंग का S8 या S8 Plus, भाई 30,000 का स्मार्टफोन बिक रहा है, आप सोच सकते हैं सैमसंग का स्मार्टफोन 30,000 का, और आसूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 M2 मैक्स M2 और यहाँ पे आपके हो गए LG का V30 ThinQ गूगल का पिक्सल, भाई इनकी मतलब आधी प्राइस कर दी गई है। भाई अगर आपको मैं दिखा दूं मतलब आपको एक बैनर दिख जाएगा तो भाई यहाँ पे प्राइस इनकी पता लग जाएंगे क्या प्राइस है। तो भाई लोगों यार ये फोन की अगर आप डील लेना चाहते हैं ना ये वाले फोन आप जरूर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे आसूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ज़ेनफोन लाइट L1 और यहाँ पे मैक्स प्रो M2 यहाँ पे पिक्सल का X2 XL और यहाँ पे आपके बहुत सारे डिवाइसेस हैं यार, आपको बैनर दिख जाएगा, ये स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत खचाड़ा स्मार्टफोन है। भाई बस यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आप मेरे नए आए हैं ना नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फैला दीजिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।